अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। हम कल रात गैदर के मकाम पर गुजारने के बाद अभी तकरीबन 3 घंटे बामुशक्क़त रास्ता तय करके यहाँ चंसर पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद तकरीबन हम एक घंटा बाद हम उधर मतलब जो चंसर झील है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ इंशाल्लाह मज़ीद जो खूबसूरत मनाजिर है वो अक्स बन करेंगे। जो शीशे की तरह जो बेहतरीन पानी आपको ठहरा हुआ नज़र आ रहा है, यानी ऊपर से कहीं से आने की का कोई मकाम नहीं है कि ऊपर से, ये ज़मीन के अंदर से निकलने वाला पानी है और चंसर झील का पानी है, ठंडा और शिफाफ, बहुत बेहतरीन मंजर है। हम चाहते हैं कि ये हमारे व्यूवर्स जो हैं वो भी इससे लुत्फानंदोज़ हों, इससे महज़ूज़ हों और करीब जाकर हम इस किनारे से भी वीडियोस बनाएंगे और पिक्चर्स बनाएंगे। अच्छा इकबाल साहब, तो चंसर झील के बारे में हमारे 2019 के ट्रिप के बाद भी बहुत सारा वो मीडिया के नज़रों में आया था और पब्लिक ने उसको बहुत पज़ेराई बख्शी थी, तो अब तक इस तरह का वो तो आगे से या इसी तरह छोटा सा एक टुकड़ा नज़र आता था ना, अब ये कोई तो चंसर झील नहीं बल्कि कुछ और ये नज़र आ रहा है, इसका राज क्या है? इसका राज ये है दरअसल कि हम इस दफ़ा इस पार आए हैं, यानी अक्सर लोग जो आते मुड़े पछी क्या सदर भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ, आप कुछ इस झील में कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? जी रिजवान भाई, मैं अभी जो वजू कर रहा था, नमाज अच्छा का अभी एक बजे होश की है और नमाज का टाइम है, तो मैंने वजू किया है क्योंकि उधर पानी का कुछ मसला है, यहाँ पर चंसर झील पर मैंने वजू किया है और इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा जी। और ये खूबसूरत मंजर आप देख भी रहे हैं, कितना खूबसूरत मंजर और कितना खूबसूरत मंजर है और बादल भी छाया हुआ है और जो थंडर स्टम जो आवाज़ें आ रही है वो भी, यहाँ पर बारिश अभी भी शुरू है और थंडर स्टम भी है और सनी मोमेंट्स नहीं है, क्लोडी है और मौसम बहुत इंजॉयमेंट वाला मौसम है जी। इस
सब कुछ ले आना है तशी नहीं होई तुन हाला उन ता रोहात वैन हाला मन तो गोश वैन हाला देखिए देखिए बनाउन बने हुए गोश का मजा देखिए वो भी चंसर के किनारे वाह वाह जी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है जी अच्छा और दांतों में दा...